ये स्टोरी है एक बकरी के बच्चे की, जो कि अपनी माँ के साथ मस्ती कर रहा होता है। अचानक उसकी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे जाके गिरता है। वहाँ नीचे एक मॉन्स्टर रहता होता है, जो कि अकेला होता है और खुद को हमेशा अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसका कोई साथी नहीं होता। तो वह चाय पी रहा होता है कि बकरी का बच्चा आके गिरता है। जैसे ही वो बच्चा आके गिरता है, उसकी चाय की प्याली टूट जाती है और ये देखकर वो बहुत गुस्सा होता है और उस पर अपना गुस्सा निकालता है। और अपना गुस्सा निकालने के लिए वो उसको एक चीज़ में बंद कर देता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत परेशान होती है, वो अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढ रही होती है, लेकिन बच्चा जो होता है वो अपनी शरारतें नहीं भूलता, वो इधर उधर चीज़ों को फेंकना शुरू कर देता है और अवाल आखिर वो मॉन्स्टर का पसंदीदा सेट भी नीचे गिरा देता है। ये देखकर मॉन्स्टर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो बच्चा वो उसके लिए एक प्याली में चाय बनाकर लाता है ताकि उसकी परेशानी को दूर कर सके। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, उसको एहसास हो जाता है कि उसको एक नया साथी मिल गया है, एक नया दोस्त मिल गया है। इतने में उसकी माँ भी आ जाती है, जो कि अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और वो भी अपनी माँ से मिल जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई